आज 15 अगस्त 78वें स्वतंत्रता दिवस को देश धूमधाम से मना रहा है। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना के मार्गदर्शन में 36 विधानसभाओं में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। उसी कड़ी में आज मलाड़ पश्चिम विधानसभा के महाराणा प्रताप क्रीड़ांगण से तिरंगा बाइक रैली का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष अमर शाह, मंडल अध्यक्ष राहुल सिंह इस भव्य रैली में उपस्थित रहे। आए हजारों की संख्या में युवक युवतियों ने इस तिरंगा बाइक रैली में उपस्थित रहकर भारत माता की जय, वंदे मातरम का जय घोष किया। तो आप देख सकते हैं इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी व भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना ने। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर तिवाना जी ने पूरे मुंबई शहर में इस प्रकार के 36 रैली का आयोजन युवा मोर्चा के माध्यम से किया है। उसमें से एक रैली मलाड विधानसभा में हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी होती है युवा जब सामने आकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस प्रकार का यात्रा निकालते हैं। नए कार्यकर्ताओं में एक उत्साह जागृत होता है, देशभक्ति उनमें जागृत होती है और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ये है कि पूरे देश भर में युवा मोर्चा के माध्यम से जो भी नेता आज देश में काम कर रहे हैं उनकी शुरुआत युवा मोर्चा के माध्यम से हुई है और आज का युवा कल का भारत देश का नेता है। और मुझे खुशी होती है कि जिन कार्यकर्ताओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, ऐसे कार्यकर्ता को जब आगे बढ़ता हुआ मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और वो भी भारत देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करते हुए पूरे नगर के लोगों को अपने साथ में जोड़कर यात्रा करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। हम युवा समझते कि भारत देश के हमारे प्रति हम युवाओं का भी कुछ योगदान हमारा कर्तव्य है, इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी हर वर्ष की तरह युवा मोर्चा के माध्यम से 36 विधानसभाओं में एक भव्य ऐसे हर विधानसभा में हम तिरंगा यात्रा बाइक रैली के माध्यम से निकाल रहे हैं और आज मलाड विधानसभा में युवा मोर्चा के माध्यम से एक बाइक रैली भव्य तरीके से निकाली जा रही है जिसमें आदरणीय माजी सांसद गोपाल शेट्टी साहब का हमें मार्गदर्शन मिला है और उनके हस्ते इसकी शुरुआत हो रही है और हमें गर्व है इस बात पे कि एक अच्छे नेता हमें आज मार्गदर्शन दे रहे हैं और जिन्होंने हमें हमेशा ही युवाओं को प्रेरित किया अच्छे कार्य करने में और उन्होंने स्वयं उत्तर मुंबई की जनता के लिए निस्वार्थ तरीके से अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। तो ऐसे नेता के माध्यम से आज हम तिरंगा यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं मलाड के अंदर और पूरे मुंबई में 36 विधानसभा में युवा मोर्चा कर रहा है, इस बात का हमें गर्व है। बाइक रैली के पीछे का सबसे बड़ा मैसेज है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं तो हम युवा का भी दायित्व बनता है कि हम भी उसमें अपना योगदान दें। तो कहीं ना कहीं भारत देश के प्रति हम अपना आज कर्तव्य निभा रहे हैं और एक जागरूकता ये युवाओं के अंदर लाने का काम करें इस बाइक रैली के माध्यम से।